ओम शांति। प्रश्न उत्तर स्पार्क की जो सीरीज चालू थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न है, एक सेकंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाए, एक सेकंड का वो कौन सा वंडरफुल खेल है जिससे पास विद ऑनर बन जाए। अव्यक्तवाणी 13th जनवरी 1978। तो एक सेकंड का वो कौन सा वंडरफुल खेल है जिससे पास विद ऑनर हो जाएंगे। मैं और मेरा बाबा और नष्टो मोहा और एक सेकंड और निश्चय बुद्धि। एक सेकंड में निश्चय बुद्धि और कल की मुरली में था निश्चय और संशय। निश्चय भी नंबर वार है यहाँ पर और अशरीरी। एक सेकंड में अशरीरी, एक सेकंड में निश्चय बुद्धि, एक सेकंड में नष्ट हुआ, एक सेकंड में मेरा बाबा, एक सेकंड में साक्षी, एक सेकंड में उपराम, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, एक सेकंड में माताजी, एक सेकंड में कंबाइंड, एक सेकंड में बीज रूप, एक सेकंड में फुल स्टॉप, एक सेकंड में फुल स्टॉप पूर्ण विराम, एक सेकंड में देह से न्यारे, एक सेकंड में हम सो सो हम, एक सेकंड में आप मुए मर गई दुनिया, एक सेकंड में बीती सो बीती, एक सेकंड में आना और जाना, एक सेकंड में शाहू भाई, एक सेकंड में क्या, एक सेकंड में सब भूल जाना, एक सेकंड में, एक सेकंड में आप घर जाना है, एक सेकंड में निराकारी निर्विकारी निरंकारी, एक सेकंड में मन मना भव, एक सेकंड में तैरना, एक सेकंड में डूबना, एक सेकंड में समान में स्थित हो जाना, एक सेकंड में ड्रामा। समान में स्थित होने के लिए क्या कहा था नीचे जो शांतिवन में मुरली चली थी उसमें, कौन से दो समान दिए थे? जब मैं कहते हो तो कौन सा समान और मेरा कहते हो तो कौन सा समान? मैं कहते हो तो कौन सा समान? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं और परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली आत्मा हूं। तो जब मैं कहो तो मेरा, मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा, और मेरा कहो तो मेरा बाबा। तो ये दो चीजें। और एक सेकंड में कौन सा वंडरफुल खेल विठल भाई? एक बल एक भरोसा आज का स्लोगन है। क्या है स्लोगन मंजू बेन? हाँ तो स्लोगन क्या है? सब परिस्थितियों से पार होने के लिए एक बल एक भरोसा। और एक सेकंड में प्रकाश में, एक सेकंड में प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाओ, एक सेकंड में साइलेंस। ये ज्ञान चुप रहने का है, यहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बोल दिया तुमने, टिक 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 बहुत की मुरली में है आज के। ये सेकंड है, ये ज्ञान है चुप रहने का। और हो गया, एक सेकंड में परमधाम पहुंच जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई दो रूहानी ड्रिल। पहली थी एक सेकंड में मन जहां लगाना चाहो, एकाग्र करना चाहो करो। दूसरी रूहानी ड्रिल, एक बाप दूसरा ना कोई संकल्प में स्थित हो जाओ। दो रूहानी ड्रिल कराई नीचे, दो दो 2007 की मुरली में। और और एक सेकंड में आना और एक सेकंड में जाना, एक सेकंड में ड्रेस बदली करना, एक सेकंड में, एक सेकंड में झाटकू, एक सेकंड में जैसे जनक का उदाहरण कल की साकार मुरली, एक सेकंड में चार चार धाम की यात्रा, एक सेकंड में चार धाम की यात्रा। तो एक सेकंड में तो हम मन से भी, एक सेकंड में चार धाम तो थोड़ा टाइम लगेगा। नया ऑफर बाप ऑफर करते सात का। और एक सेकंड में एक नहीं, हाँ मेरा बाबा, एक सेकंड में एक सेकंड में सुदर्शन चक्रधारी, एक सेकंड में माया का गला काट देना, एक सेकंड वाणी में, एक सेकंड में वाणी से परे, एक सेकंड में ज्ञान विस्तार से सार और सार का विस्तार। ये ज्ञान में तीन चीजें एक क्लास में जगदीश भाई जी ने कहा है। पहला है सार,
दूसरा है विस्तार और तीसरा है प्रसार। ये ज्ञान अर्थात तीन चीजें, सार, विस्तार और प्रचार या प्रसार, प्रचार करना इस ज्ञान का, विस्तार करना समझने के लिए। विस्तार है समझने के लिए, विस्तार है ज्ञान का समझने के लिए। ज्ञान की एक पॉइंट है, उसका हमने विस्तार किया। बाबा ने कहा आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये ज्ञान गुह्य है। मैं तुम्हें गुह्य गुह्य बातें बताता हूं, मैं तुम्हें नई नई बातें बताता हूं, रोज तुम्हें नई नई बातें बताता हूं। ये मत कहो कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता दिया तो मैं क्या जाऊं क्या बीच में, तो मैं क्या चला जाऊं? तुम चाहते हो मैं चला जाऊं, गेट आउट हो जाऊं? नहीं, पर तुम तो कहे वो ही रहे हो कि सारा एक साथ सुना दो। मैं धीरे धीरे सुनाऊंगा, अपने ढंग से सुनाऊंगा, मेरी अपनी स्टाइल है। मैं कोई किसी शास्त्रों का थोड़ी मानता हूं, जज करो मैं जो कहता हूं वो राइट है या शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, मैं तुमको वो नहीं बताता हूं जो शास्त्रों में लिखा है। मैं आदि मध्य अंत को बताता हूं, आदि क्या मध्य क्या वो मैं तुमको बताता हूं। तो एक कहां थे हम, सार और विस्तार। तो एक है सार, एक है विस्तार ज्ञान का, ज्ञान का विस्तार करना, और फिर है प्रचार करना अर्थात सेवा, प्रचार प्रसार। तो ज्ञान में ये तीन तीन चीजें हैं, प्रसार और प्रचार, प्रसारण, डायरेक्ट प्रसारण, लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट। हाँ, तो अभी भगवान ने क्या कहा वो सुनेंगे। एक सेकंड का खेल है, अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, अभी अभी इधर और अभी अभी घोंसले से बाहर। एक सेकंड का खेल का अभ्यास है, जब चाहो जैसे चाहो जिस स्थिति में स्थित रह सको एक सेकंड में। कितना अभ्यास चाहिए इसके लिए, एक सेकंड में, अभी अभी यहां, अभी अभी यहां से बाहर, अभी अभी बात कर रहे, अभी अभी बातों से परे, अभी अभी बोल रहे, अभी अभी चुप, साइलेंस, स्टैच्यू। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा, जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विथ ऑनर। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए, जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। एक तरफ हंगामा और एक तरफ स्थिति शांत। जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता है, अंदर बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। सागर की 10 विशेषता बताओ। सागर, सागर की एक विशेषता बताई, सागर अपने अंदर कुछ, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, डेड बॉडी को फेंक देता है, जो कि व्यर्थ है वो फेंक देगा। एक विशेषता उसकी है कि जो भी मृत है, मृत शरीर को अपने पास रखता नहीं, वो किनारे फेंक देता है। एक किचड़ा जो है किनारे फेंक देता है, ये सागर की एक विशेषता। एक दूसरा, सब कुछ अंदर समा लेता है, डेड सी, रेड सी, डेड सी, वो एक वास्तव में लेक है। उसके बाद में सागर की विशेषता, सागर जितना अंदर जाते जो और गहरा होते जाता है। सागर कितना गहरा है ये पता करना बड़ा मुश्किल है, अथाह है, अतल है, वो कितना गहरा है ये जानना बहुत मुश्किल है। और सागर अपने अंदर बहुत सारे खजाने लिए रहता है, उसमें ऐसे ऐसे खजाने, न मालूम कितने जहाज उसमें डूब गए, कितने टाइटैनिक खो गए, उसमें बहुत सारा खजाना है, डूबा हुआ है, डूबे हैं पर मिट्टी का कौल नुभाए। मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं, उसे पा लेने की धुन मेरी। तो वो सागर के अंदर रहते हैं सरे। तो सागर में क्या होता है, तीसरा खजाना होता है, चौथा सागर बेहद का होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, और सागर, सागर नीचे होता है, सागर नीचे होता है, नदियां ऊपर होती है।
इसलिए तो नदियां सागर में आती है, इसलिए सब कुछ समाना होगा तो थोड़े नीचे रहना पड़ेगा। अनिरंकारी है, यह निरंकारिता का प्रतीक है सागर। साप सब नदियां सागर में क्यों समाती है, क्यों नदियां सागर में जाती है? क्योंकि वो नीचे है। अगर वो अहंकार से ऊपर खड़ा होता तो नदियां जाती क्या? तो सागर की एक विशेषता है कि वो निरंकारी भी है। दूसरी विशेषता इसी के साथ जुड़ी हुई, सारी नदियों को अपने अंदर समाता है। सारी नदियां सागर में आ जाती है, तो सारी नदियां सागर में आती है। और सागर की विशेषता, भगवान ने संसार में इतनी सारी चीजें होते हुए भी सागर को चुना स्वयं की महिमा के लिए। सूर्य को बाद में चुना, सितारे को बाद में चुना, बीज को बाद में चुना, बिंदी को बाद में चुना, पहाड़ को बाद में चुना। शिव बाबा के सात स्वरूप जो इधर एक बार सुनाए थे ना, शिव बाबा क्या है? बिंदी। शिव बाबा क्या है? सागर। शिव बाबा क्या है? पहाड़। शिव बाबा क्या है? स्टार। शिव बाबा क्या है? सूर्य। शिव बाबा क्या है? सात हो गए। सबसे पहला बिंदी, दूसरा बीज, तीसरा ज्योति महाज्योति, चौथा स्टार, पांचवा सूर्य, छठवा सागर और सातवां पहाड़। पर इन सातों में से बाबा ने अपनी महिमा के लिए सबसे ज्यादा किसको चुना? सागर को। मैं सागर हूं। सागर अर्थात अथाह, सागर अर्थात बेहद का, सागर अर्थात जिसमें सब कुछ समा जाता है। प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, जो भी कहो। और सागर की विशेषता, सागर का जो पानी होता है उसकी टेस्ट सब जगह सेम होती है। खारा, उसका खारापन होता है, किसी एक सागर के खारेपन सभी जगह समान होगा या अलग अलग होता है? सेम सेम। टेस्टी टेस्टी सब जगह सेम होता है, वो सभी जगह खारा होगा वो, अगर खारा है तो। और सागर की विशेषता, बड़े बड़े जानवर उसमें रहते हैं, मछलियां, एक तो खजाने और दूसरे बहुत सारे जीव जंतुओं को वो घर है, वो संसार है। सागर का अपना एक संसार है, सी वर्ल्ड। और निखिलेश भाई, सागर की विशेषता, सागर की लहरें बहुत होती है और निरंतर लहरें होती है, लहरें कभी रुकती नहीं है। कभी लहरों को रुकते देखा? और सागर के अपने नियम होते ऐब ऑन टाइड, वो जो होते हैं ना टाइड, सागर में जो टाइड होता है उसका ज्वारभाटा, उसके अपने नियम होते। और सागर की क्या विशेषता है? और सागर धीरे धीरे गहरा होते जाता है और सबकी पालने पानी से पालना करती है। अगर पानी खत्म हो जाए तो सब, अगर जल ना रहे तो सब जल मरे, अगर जल ना रहे तो सब जल मरे, ऐसा कहा जाता है। और सागर की विशेषता क्या? बड़े बड़े जहाज भी उसमें से जाते, बड़े बड़े जहाज सागर के ऊपर से जाते। और तो सागर, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे सागर बाहर आवाज करता है पर अंदर शांत, बाहर आवाज संपन्न, अंदर शांत, कोई आवाज नहीं। जितना जितना गहरे जाओ शांति शांति सागर में। तो जैसे अभी ये एक चीज की विशेषता बताई, वैसी सात चीजों की विशेषता के ऊपर आज सारे दिन भर चिंतन करना। परमात्मा रूपी पहाड़ की क्या विशेषता है, परमात्मा रूपी बीज की क्या विशेषता है, परमात्मा रूपी सितारे की क्या विशेषता है, परमात्मा रूपी बिंदी की क्या विशेषता है, परमात्मा रूपी ज्योति की क्या विशेषता है, परमात्मा रूपी सूर्य की क्या विशेषता है। ये सात रूप है शिव बाबा के। परम धाम का एक योग ये भी हो सकता है कि एक दिन एक रूपी मर्ज करो। आज केवल सागर देखो परम धाम में, आज केवल बीज देखो, आज केवल सितारा देखो, आज केवल बिंदी देखो, आज केवल समुद्र देखो, ज्योति देखो, पहाड़ देखो। अगर एक सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अगर अचल रहा तो पास। तो जितना हंगामा उतना स्व की स्थिति अति शांत। उदाहरण दिया सागर का, कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसने शरीर को कंट्रोल नहीं किया, मन को कंट्रोल नहीं किया, संस्कारों को कंट्रोल नहीं किया, विचारों को कंट्रोल नहीं किया, अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं किया, वो विश्व को कैसे कंट्रोल करेंगे? महाभारत में एक पात्र है,
जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल है अपनी स्पीच पर, कौन? सबसे ज्यादा एक एक शब्द गिन गिन कर बोलता है, उसके मुख से एक शब्द भी गलत नहीं निकलता है, उसके मुख से एक एक शब्द ऐसा निकलता है अगर उसने कुछ कहा तो वो जरूर उसके पीछे राज होगा कोई। विदुर, विदुर वो एकमात्र ऐसा पात्र है कि जिसका शब्द शब्द नुपातुला है, एक भी गलत नहीं बोलता है, कैलकुलेटेड वर्ड्स, पूरा सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मैंने तो मजाक में कह दिया था, मेरे तो मुख से निकल गया था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसा है ही नहीं उसका। जो बोलेगा वो एकदम वो इसके जैसा है वो। जो कोई जौहरी होता है ना, कितना ध्यान रखता है अपने हीरो का, रत्नों का, वैसे बोलता है, शब्द शब्द बिल्कुल गिन गिन के बोलता है एकदम, एकदम पक्का व्यापारी, शब्दों के लिए, शब्दों का व्यापारी है, एक भी शब्द को वेस्ट नहीं जाने देता, फिजूल। समेटने की शक्ति चाहिए, एक सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए और एक सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए, यह है वंडरफुल खेल। दोनों चीजें जरूरी है, ब्राह्मण एक चीज भूल जाते हैं, यह है सार, यह है विस्तार। सार से विस्तार में आना अर्थात, और विस्तार से सार में जाना अर्थात क्या? विस्तार में सार से जाना अर्थात योग, और सार से विस्तार में जाना अर्थात ज्ञान। इसके लिए ये जो ज्ञान दिया हुआ है इसका क्या करने की आवश्यकता है? चिंतन, शब्द शब्द का चिंतन, एक एक वाक्य का चिंतन, जो भी वाक्य आते हैं उसको चिंतन करनी, गहराई से चिंतन करना है, बाबा ने ऐसा क्यों कहा। जैसे कल की मुरली में था, कितनी नई बात थी, कितनी नई बात थी, कौन सी? सर्वव्यापी की। वो कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं जब यहां हूं, अगर मैं यहां होता तो दुख नहीं होता। अरे मैं जब यहां नहीं हूं तब भी तो दुख नहीं है, सतयुग में मैं जब गैर हाजिर हूं तब भी दुख नहीं है। ये कितनी नई बात है, ये बात एकदम नई बोली बाबा ने। तो क्या अभ्यास करना है आज के इससे? एक सेकंड का अभ्यास करना है, ये ब्रेन का काम है बाबा ने कहा, और इसमें परहेज बहुत बहुत चाहिए। कोई भी पॉइंट मुरली से ले लेना और उसका चिंतन करना, जैसे नरक का द्वार कौन है आज की मुरली से, कौन है नरक का द्वार, कौन है? दोनों है, दोनों है, दोनों है। दुनिया वाले कहते हैं द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, वो तो नरक का द्वार नारी को कहते हैं, परंतु दोनों ही नरक का द्वार है, क्योंकि दोनों में ही सारे विकार उतनी ही अनुपात में पाए गए हैं। ऐसा नहीं स्त्री में ये ज्यादा है, पुरुष में वो ज्यादा है, वो ईर्ष्या इधर भी है तो ईर्ष्या उधर भी है, काम इधर भी धक्के खा रहा है तो काम उधर भी धक्के दे रहा है, लोभ इधर भी तो लोभ उधर भी, काम का हल्का नशा। कल की मुरली में था ना, बाप को बता दो सबसे भारी परीक्षा यही है काम की, और आज तो कह दिया कि बिना पवित्रता के धारणा इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी उठा पटक कर लो, ना तो नारी है ना तो पुरुष है, और वैसा देखा जाए तो दोनों है, क्योंकि दोनों में ही विकार है। तो एक सेकंड का अभ्यास करना है सारी दिनचर्या में, बीच बीच में एक सेकंड में शरीर से बाहर, शरीर में आना और शरीर से बाहर, अभी अभी आना अभी अभी बाहर, और कितनी भी काम इन क्राइसिस। ये एक टॉपिक है चिंतन का, किसको दे ये टॉपिक? ओम शांति।